बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कश्मीरी दूध कहवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही जल्दी ये तैयार होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक खुले से बर्तन में मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे हम हाई फ्लेम पे उबलने के लिए रहने देंगे। ये देखिए ये उबल रहा है और अब मैं गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दूंगी और इसमें मैं 2 चुटकी ज़ैफ़रान शामिल कर रही हूँ, यानि कोंग। इससे इसका कलर और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ, जिसे कश्मीरी में सब्ज़ अल कहते हैं, उसका पाउडर। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे हम 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, जब तक दूध हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए और ये जो ज़ैफ़रान का कलर है ये दूध में अच्छी तरह से आ ना जाए। देखिए 10 मिनट हो गए हमें इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाते हुए। दूध में जो है ना मलाई भी लग गई है और गाढ़ा भी हुआ है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें 6 से 7 कूटे हुए बादाम ऐड करूँगी। इनका छिलका मैंने उतार दिया था, इससे बहुत टेस्टी लगता है दूध कहवा। इसी के साथ मैं इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप चीनी इस्तेमाल करें, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें या कंडेंस मिल्क, जितना भी आप मीठा खाते हो। अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। ये आप ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत ही टेस्टी ये कहवा बनता है। और अब हम इसे दम पे पकाएंगे 5 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये देखिए ढक के दम पे पकने से ये बहुत ही टेस्टी गाढ़ा बनता है और जो फ्लेवर्स है कहवे में बहुत ही अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे, जैसे इलायची, ज़ैफ़रान। अब देखिए दूध कहवा जो है तैयार हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ़ करूँगी और इसे हम सर्व करेंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर मैंने समावार लिया है जिसमें हम ये दूध कहवा डालेंगे। ये देखिए, और आप देख सकते हैं ये उबल रहा है, और जितना अब ये उबलेगा आहिस्ते आहिस्ते उतना दूध का वो टेस्टी और स्मोकी बनेगा। अब हम इसे कप में सर्व करेंगे। कप में मैंने थोड़े से बादाम के स्लाइसेस डाले हैं छिलका उतार के, और अब हम इसमें कहवा सर्व करेंगे। अच्छी स्मोकी स्मेल आ रही है, इलायची की स्मेल आ रही है, ज़ैफ़रान की स्मेल आ रही है। बहुत ही टेस्टी ये कहवा तैयार हुआ है बनके। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।